लगभग 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के एक सशक्त अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भारतवर्ष की पवित्र भूमि में प्रकट हुए थे। यह महसूस करते हुए कि जैसे जैसे चार युग आगे बढ़ते हैं मनुष्य की समझने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है, उन्होंने एक वेद को चार भागों में विभाजित किया और उन्हें अपने चार प्रमुख शिष्यों को प्रदान किया। ये चार वेद हैं सामवेद, ऋग, यजुर् और अथर्व। बाद में उनके शिष्यों ने फिर से वेदों को कई शाखाओं में विभाजित किया। वेदों का विभाजन करने के बाद भी श्री व्यासदेव को संतोष नहीं हुआ, यह सोचकर कि कलयुग के लोगों के लिए वेदों के वास्तविक अर्थ को समझना असंभव होगा। उन्होंने उस समझ का सार लिया और पुराण संहिता नामक एक सरल साहित्य को कहानी के रूप में संकलित किया। इस साहित्य के आधार पर उनके तीन प्रमुख शिष्यों ने तीन और संहिताएं लिखी, सावर्ण संहिता, संसाप्यन संहिता और अकृतावर्ण संहिता। इन चार संहिताओं के आधार पर 18 पुराण और 36 उपपुराण बाद में संकलित किए गए। क्योंकि श्री व्यासदेव की पुराण संहिता इन साहित्यों का स्रोत है, सभी पुराणों और उपपुराणों का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। उपपुराणों या उपपुराणों में कल्कि पुराण सबसे पवित्र और व्यापक रूप से सम्मानित है। कलयुग के अंत में सर्वोच्च भगवान हरि भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और दुनिया के सभी म्लेच्छों, यवनों, नास्तिकों और बौद्धों को मार डालेंगे जो वैदिक अधिकार की अवहेलना करते हैं। भगवान कल्कि की लीलाएं इस साहित्य की विषय वस्तु हैं, जिन्हें कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ देख सकते हैं, इस कारण इन भविष्य की घटनाओं को इस प्रकार बताने में कोई दोष नहीं है जैसे कि वे पहले ही घटित हो चुकी हों। कल्कि पुराण में 35 अध्याय हैं। मैं भगवान अच्युत अजन्मा सर्वज्ञ और असीमित परम पुरुषोत्तम भगवान को अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ, जो सभी बाधाओं का नाश करने वाले सभी जीवों के आश्रय हैं और वैदिक साहित्य के मूल वक्ता हैं, जिनकी बड़ी भक्ति के साथ पूजा की जाती है। जीवन में सभी प्रकार की पूर्णता प्राप्त करने के उद्देश्य से देवताओं द्वारा, ऋषियों में अग्रणी इंद्र और विभिन्न ग्रह मंडलों के शासकों द्वारा इस कल्कि पुराण का पाठ करने से पहले, जो कि विजय का वास्तविक साधन है, व्यक्ति को भगवान के व्यक्तित्व नारायण, नर नारायण ऋषि, सर्वोच्च मानव, सरस्वती, विद्या की देवी और श्री को सम्मान पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। व्यासदेव भगवान के परम व्यक्तित्व कल्कि का रूप धारण करके, जो सभी जीवों के परमात्मा हैं, धर्म के शाश्वत सिद्धांतों की स्थापना करें, ब्राह्मणों के एक परिवार में प्रकट होकर वे कलयुग के पापी राजाओं को आग से नष्ट कर दें, सिंध प्रांत के एक उत्कृष्ट घोड़े की पीठ पर सवार होकर उनके क्रूर सर्प जैसे हाथों से निकलने वाले विष के बारे में, इस तरह वे पवित्र लोगों की रक्षा करेंगे और सत्ययुग को फिर से स्थापित करेंगे। श्री सूत गोस्वामी द्वारा सर्वोच्च भगवान को इस तरह से प्रणाम करने के बाद नैमिषारण्य के ऋषियों ने शौनक ऋषि की अध्यक्षता में कहा, हे सुता गोस्वामी, हे धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञाता, हे भूत वर्तमान और भविष्य के दृष्टा, हे पुराणों के विद्वान, कृपया हमें परम भगवान की लीलाएं सुनाते रहें। काली कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, विश्व का मालिक कैसे बना, वह सनातन धार्मिक सिद्धांतों के पालन को कैसे नष्ट करता है। महान संतों के इन शब्दों को सुनकर सीता गोस्वामी इतने आनंदित हो गए कि उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने अपना मन भगवान हरि के स्मरण में लीन कर लिया और ऋषियों से बात करना जारी रखा। सूत गोस्वामी ने कहा, कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि मैं भगवान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करता हूँ जो भविष्य में प्रकट होंगी। इन पारलौकिक लीलाओं को पहले भगवान ब्रह्मा द्वारा महिमामंडित किया गया था, जो कि सार्वभौमिक कमल के फूल से पैदा हुए थे। जब उनसे महान ऋषि नारद द्वारा बोलने का अनुरोध किया गया था, तत्पश्चात नारद ने जो कुछ भी सुना था उसे दोहराया, जो कि असीम रूप से शक्तिशाली श्री व्यासदेव के सामने था, जिन्होंने बदले में अपने श्रेष्ठ पुत्र ब्रह्मरता को इन विषयों को सुनाया। ब्रह्मरथ ने तब भागवत धर्म के इन विषयों का वर्णन अभिमन्यु के पुत्र, जो विष्णुरता के नाम से जाना जाता था, को बताया, क्योंकि वह शाही सभा में विराजमान था। इस वर्णन में 18,000 श्लोक हैं। एक सप्ताह तक बिना रुके सुनने के बाद संत राजा ने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया और इस दुनिया से चले गए। हालांकि भगवान की महिमा की चर्चा समाप्त नहीं हुई थी। अभिमन्यु के पुत्र की मृत्यु के बाद मार्कंडेय की अध्यक्षता में महान ऋषि उस पवित्र आश्रम में सुखदेव गोस्वामी से पूछताछ करते रहे। अत्रेह तदनु ज्ञातः श्रुत्वनस्मि, यह कथा है। भविष्यस्य कथामास पुण्य भगवती सुभाय। मैं उस समय उपस्थित था।
और इसलिए मैंने सुखदेव गोस्वामी से सब कुछ सुना। उनकी आज्ञा से अब मैं आपको परम भगवान की ये सबसे शुभ लीलाएं सुनाता हूँ जो भविष्य में घटित होंगी। हे महान भाग्यशाली ऋषियों, कृपया ध्यान से सुने जब मैं आपको वर्णन करता हूँ कि भगवान कृष्ण के अपने निवास पर लौटने के बाद काली इस दुनिया में कैसे प्रकट हुई। सर्वनाश के बाद ब्रह्मांड के द्वितीय निर्माता भगवान ब्रह्मा, सभी के पितामह जो सार्वभौमिक कमल के फूल पर पैदा हुए थे, ने अपनी पीठ से एक काले रंग के पाप का अवतार बनाया। अवतारी पुरुष का नाम अधर्म था। अधर्म के बारे में श्रद्धापूर्वक सुनने, चरितार्थ करने और उनके वंशजों का स्मरण करने से मनुष्य शीघ्र ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अधर्म की पत्नी तिरेजियोन का नाम मिथ्या था। झूठ, वह बहुत सुंदर थी और उसकी आंखें बिल्ली की तरह थीं। उनके पास दंभ नाम का एक बेटा था, गौरव, जो हमेशा बहुत क्रोधी और ईर्ष्यालु था। दंभ की माया नाम की एक बहन थी और उसके गर्भ में निकृति के गर्भ से लोभा नाम का एक पुत्र लालच और निकृति नाम की एक बेटी चालाक लोभा ने क्रोध नामक एक पुत्र को जन्म दिया। हिंसा ईर्ष्या क्रोध की बहन थी। हिंसा के गर्भ से क्रोध को कली नाम का एक पुत्र हुआ। काली को हमेशा अपने जननांगों को अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए देखा जाता है। उसका रंग बहुत काला है, जैसे तेल में मिला हुआ काला मलहम। काली का उदर कौवे के समान है। उनका चेहरा देखने में डरावना है और उनकी जीभ लाल है और लालच से भरी हुई प्रतीत होती है। उसका रूप बहुत भयानक है और उसके शरीर से दुर्गंध निकलती है। काली को शतरंज खेलना, शराब पीना, वेश्याओं की संगति का आनंद लेना और सोने के व्यापारियों के साथ जुड़ना बहुत पसंद है। काली की बहन दुरुक्ति थी, कठोर वाणी। दुरुक्ति के गर्भ से काली ने भय नामक एक पुत्र और मृत्यु नामक एक पुत्री को जन्म दिया। भाया ने मृत्यु के गर्भ से निर्या नरक नामक एक पुत्र को जन्म दिया और निर्या ने अपनी बहन यत्ना अत्यधिक पीड़ा के गर्भ में 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार मैंने कली की विनाशकारी संतानों का वर्णन किया है जो सभी वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों के निंदक थे। काली के ये सभी रिश्तेदार यज्ञ वेदों के अध्ययन और दान के विध्वंसक थे, क्योंकि उन्होंने धर्म के सभी वैदिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया था। वे मानसिक क्लेश, रोग, बुढ़ापा, धार्मिक सिद्धांतों का नाश, शोक, विलाप और भय के भंडार थे। काली के ये वंशज कली के साम्राज्य में हर जगह भटकते पाए जाते हैं, दुनिया के लोगों को नष्ट कर देते हैं। अपने पिता और माता जो उनके बीच दो बार पैदा हुए के रूप में जाने जाते हैं, वे सभी अच्छे व्यवहार से रहित हैं, उचित शिष्टाचार के पालन के बिना और हमेशा शूद्रों की सेवा में लगे हुए हैं। इन पतित आत्माओं को शुष्क तर्कों का बहुत शौक है और वे धर्म को आजीविका के साधन के रूप में उपयोग करते हैं। वैदिक ज्ञान को एक पेशे के रूप में पढ़ाते हैं, अपने व्रतों के निष्पादन से पतित हैं और मांस सहित शराब और अन्य घृणित चीजें बेचते हैं। वे स्वभाव से क्रूर होते हैं और अपने पेट और जननांगों को तृप्त करने के बहुत शौकीन होते हैं। इस कारण वे दूसरों की पत्नियों के पीछे वासना करते हैं और हमेशा नशे में देखे जाते हैं। वे एक माता पिता से पैदा नहीं हुए थे जो उचित रूप से विवाहित थे और वे कद में छोटे हैं और हमेशा दूसरों को धोखा देने जैसे पाप कार्यों में लगे रहते हैं। वे प्रायः पवित्र स्थान में निवास करते हैं, 16 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं, अभागे लोगों की संगति करते हैं और देवर को ही मित्र और संबंधी समझते हैं। कलयुग के लोग आपस में लड़ने झगड़ने के आदि हैं। वे अपने बालों को संवारने, बेहतरीन कपड़े पहनने और महंगे गहनों से खुद को सजाने के लिए काफी हद तक जाती हैं। कलयुग में बहुत धन वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक महान आत्मा के रूप में सम्मानित होगा। यदि द्विज व्यक्ति ब्यास पर पैसा उधार देकर अपनी आजीविका कमाता है तो उसे समाज का एक स्तंभ माना जाएगा। कलयुग के सन्यासी घर और संपत्ति से जुड़े रहेंगे और गृहस्थ विवेक की सारी शक्ति से रहित हो जाएंगे। कलयुग में लोग बिना किसी हिचकिचाहट के एक आध्यात्मिक गुरु या अन्य बुजुर्ग व्यक्ति की निंदा करेंगे। वास्तव में सामान्य रूप से लोग कपटी, झूठे और धोखेबाज बन जाएंगे। कलयुग में शूद्र दूसरों से दान स्वीकार करेंगे या बिना भेदभाव के दूसरों के धन को लूट लेंगे। लड़का लड़की की शादी के लिए आपसी सहमति ही एकमात्र पैमाना होगा। लोग सहानुभूति और उदारता दिखाएंगे, लेकिन यह केवल दुबलापन होगा। क्षमा तभी प्रदान की जाएगी जब कोई व्यक्ति आपत्तिजनक पक्ष को हानि पहुंचाने में असमर्थ हो। ताकतवर अधिकार वाले समाज में कमजोर स्थिति में लोग आसानी से नाराज हो जाएंगे। मूर्ख भी यह साबित करने की कोशिश में बहुत बातूनी होंगे कि वे विद्वान हैं।
लोग धार्मिक समारोहों में शामिल होंगे, लेकिन केवल प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए। यदि किसी के पास धन है तो वह साधु माना जाएगा। केवल पवित्र स्थान में स्नान करने के लिए। लोग बहुत दूर की यात्रा करेंगे और बहुत परेशानी से गुजरेंगे। जनेऊ धारण करने मात्र से ही ब्राह्मण की पहचान हो जाती है। लाठी उठाने से ही सन्यासी की पहचान हो जाती है। पृथ्वी खाद्यान्न के उत्पादन को प्रतिबंधित कर देगी। नदियों की धाराएं बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होंगी और विवाहित स्त्रियां भी हरी वेश्याओं से कुछ बेहतर व्यवहार करेंगी, क्योंकि उन्हें व्यावहारिक रूप से अपने पतियों से कोई लगाव नहीं है। जो द्विज हैं, वे दूसरों पर निर्भर होंगे, यहाँ तक कि वे शूद्रों के लिए पुजारी के रूप में नियुक्त होने में संकोच नहीं करेंगे। स्त्रियां व्यभिचारी हो जाएंगी, जिससे उनके पति उन्हें आसानी से त्याग देंगे। बादल बहुत अनियमित रूप से मेघों की वर्षा करेंगे और भूमि पर्याप्त उपज नहीं देगी। राजा मनमाने ढंग से अपनी प्रजा को यातना देंगे और मार डालेंगे और उन पर अत्यधिक करों का बोझ डालेंगे। ऐसी अभागी प्रजा अंत में अपना परिवार और सामान लेकर पहाड़ों और घने जंगलों में शरण लेगी। कलयुग के लोग बिना किसी भेदभाव के मांस, शहद, फल और जड़ खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लगभग हर कोई सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने में आनंद लेगा। ये कुछ लक्षण हैं जो कलयुग की शुरुआत में प्रकट होंगे।